आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे समाजशास्त्र, क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है, और अगर ये विज्ञान है तो इसके विज्ञान मानने में क्या आपत्तियाँ हैं, और इसको जस्टिफाई कैसे किया जाएगा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है या नहीं। तो समाजशास्त्र एक समाज विज्ञान है, और समाज विज्ञान होने के नाते विज्ञान किसको कहेंगे, सबसे पहले तो हमें ये जानना है विज्ञान हम किसको कहेंगे। विज्ञान वो चीज़ है जो कि सबसे पहली विशेषता क्या है कि जो सत्य पर आधारित हो, जो कि सत्य के नज़दीक हो या सत्य पर आधारित हो। जो चीज़ दूसरी विज्ञान की क्या विशेषता होगी, जो कि हमको आँखों से दिखाई दे, जो कि जिसको कि हम प्रूफ कर सकें, जिसको कि हमें मानने में किसी को ये हेजिटेशन ना हो कि ये है सत्य है या नहीं। तो जो समाज विज्ञान है उसके साथ हमेशा ही कोई ना कोई भ्रम लगा रहता है कि ये सच है या नहीं, या इसके साथ कंट्रोवर्सी बहुत सारी रहती है। तो विज्ञान, समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से जो आपत्तियां हैं, उन आपत्तियों को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विज्ञान की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो जो साइंस है, साइंस जो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि जो सत्य पर आधारित है, जो आँखों से दिखाई दे, तो विज्ञान की जो पहली विशेषता है वो है अवलोकन, जो दिखाई दे, जिसको कि हम प्रूफ कर सकें। तो जो विज्ञान की विशेषताओं की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज़ को होगा, समाज विज्ञान को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम विषय का चुनाव कर लेंगे। विषय का चुनाव करने के बाद हमको उसके जो सत्य को नज़दीक जानने के लिए उससे संबंधित टेक्निक का की जानकारी करेंगे कि हम कौन सी टेक्निक का प्रयोग करेंगे जिससे कि हम लोग उस सत्य के नज़दीक पहुंच सकें। उससे पहले एक उपकल्पना बनाएंगे या हाइपोथेसिस बनाएंगे कि हमें किस ट्रैक पर आगे जाना है, और फिर उसके बाद उस एप्रोप्रिएट टेक्निक का प्रयोग करके हम उस विषय के नज़दीक जाएंगे। तो सबसे पहले तो विषय का चुनाव करेंगे, फिर उससे संबंधित हाइपोथेसिस उपकल्पना का निर्माण करेंगे, फिर विषय से संबंधित जो भी प्रविधि का चुनाव करेंगे। अब प्रविधि कोई भी हो सकती है, प्रविधि में अवलोकन है, प्रश्नावली है, अनुसूची है, साक्षात्कार है, तो जो भी विषय से संबंधित, विषय से रिलेटेड किसी भी जो हम प्रविधि का प्रयोग कर लेंगे। और अगर कई बार ऐसा विषय होता है जिसमें कि हमें सेकेंडरी डाटा का प्रयोग करना पड़ता है, द्वितीयक सामग्री का प्रयोग करना पड़ता है, ये हमारे विषय के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी हम इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ समाज विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में लाना चाहते हैं, और हम समाजशास्त्र को जस्टिफाई करना चाहते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। तो विज्ञान की विशेषताओं में सत्यता, अवलोकनकर्ता और जस्टिफिकेशन, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। तो उसको हमें जस्टिफाई करना है कि समाजशास्त्र इस इस चीज़ के ऊपर प्रूव करता है, तो इसलिए समाजशास्त्र विज्ञान है। अब समाजशास्त्र को, किसी भी विषय को विज्ञान मानने में सबसे बड़ी आपत्ति होती है, जो समाज विज्ञानों के ऊपर प्रश्न चिन्ह आता है कि ये विज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किससे रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है, और समाज किससे रिलेटेड है, पहले भी मैंने बताया, समाज किससे मिलकर बनता है, व्यक्तियों से मिलकर बनता है, और व्यक्ति का अध्ययन करना बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जिसको कि हम छू सकते हैं, या जिसके अंदर भावनाएं, या जिसके अंदर सोचने समझने की चीज़ शक्ति नहीं होती, उनका अध्ययन करना तो सरल है, लेकिन व्यक्ति अगर कोई भी जवाब देता है तो पहले से ही मैनिपुलेट करता है कि मेरा ये जवाब सही है या नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों का अध्ययन करके सत्यता के नज़दीक ले जाना
बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसको विज्ञान मानने से जो आपत्ति आई वो सबसे बड़ी आपत्ति ये आ गई है कि हमारा जो अध्ययन की वस्तु है, जो हमारे अध्ययन की वस्तु है, वही सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, व्यक्ति और व्यक्ति से रिलेटेड चीज़ों का ही हम अध्ययन करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी आपत्ति आई। दूसरी आपत्ति आई कि हमारे पास लेबोरेटरी नहीं है, प्रयोगशालाओं का अभाव है। भाई दूसरे जो जो विज्ञान होते हैं जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो दूसरी चीज़ों के लिए हमारे पास लैब्स होती हैं जहाँ पर कि हम चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जिसको कि हम प्रूव करते हैं। तो ऐसे प्रयोगशालाओं का हमारे पास अभाव है, तो इसीलिए ये भी एक आपत्ति आ गई। तीसरी आपत्ति ये आ गई कि हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, जैसे अन्य विज्ञानों में हम भविष्यवाणी कर देते हैं, तो इस प्रकार की भविष्यवाणी भी हम, और अगर भविष्यवाणी कर दें तो उसके लिए सत्यता को 100% श्योरिटी की बात हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी समाज विज्ञान हैं वहाँ पर हम 99% की ही बात करते हैं, वहाँ पर 100% की बात हम इस चीज़ को हम प्रूव ही नहीं कर सकते हैं, तो हम थोड़ा सा मार्जिन लेकर चलते हैं। तो हम जब हम भविष्यवाणी की भी बात पर हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। और अगला आ जाती है आपत्ति की रीटेस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए जिसमें कि अन्य विज्ञानों में ये वाली भी सुविधा हो जाती है। तो समाजशास्त्र के ऊपर, समाजशास्त्र ए विज्ञान है या नहीं, तो इसमें इतने सारे हमारे पास जो है वो प्रश्न चिन्ह आ जाते हैं। अब हमको ये प्रूव करना है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। अब समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले, जो मैंने आपको पहले बताया कि समाजशास्त्र एक समाज का विज्ञान है, व्यक्तियों का विज्ञान है, और व्यक्तियों की जो हमारी अध्ययन वस्तु है, जो इकाई है, वही इतनी जो एक ईश्वर की बनाई हुई एक सर्वश्रेष्ठ कृति है, जब हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं तो हमको थोड़ी लिबर्टी मिलनी ही चाहिए। और इसीलिए हम जब भी कोई विषय वस्तु, हमारे समाज विज्ञानों की जो विषय वस्तु है, हम ऐसी विषय वस्तु लेते हैं जो कि जिसमें कि कंट्रोवर्सी की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, हम उन कारण और दशाओं का अध्ययन करते हैं जो कि एग्जिस्टेंस के लिए, जो समाज के एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी होती है। हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो कि, जैसे हम उन चेंजेस का अध्ययन करते हैं, परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं जो कि एक समाज के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो कि समाज के एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी होती है। जब हमारे पास इस प्रकार के विषय वस्तु होती है और हमारी विषय वस्तु ही इस प्रकार की है, तो फिर समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से आपत्ति क्यों हो? और हमारे पास ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स का प्रयोग करके हम अपनी विषय वस्तु को बिल्कुल साइंटिफिक बना सकते हैं, क्योंकि हम ये इस चीज़ की गारंटी लेते ही नहीं कि हम जो हम प्राकृतिक विज्ञानों की तरह हम 100% श्योरिटी की बात करते ही नहीं हैं। हमारी विषय वस्तु और हमारे टॉपिक्स ही ऐसे होते हैं जहाँ पर कि हम उन परिवर्तनों का या उन दशाओं का या उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो कि समाज के अस्तित्व के लिए ज़रूरी होते हैं। हम ना तो हम आदर्श की बात करते हैं, ना हम लोग तथ्य की बात भी जहाँ पर करते हैं। तो मैंने जैसे बताया आपको कि हमारे पास अनुसूची या हमारे पास प्रश्नावली, हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं और हमारे पास पूरी एक रिसर्च मेथडोलॉजी की विषय वस्तु है, हमारे पास पूरा अनुसंधान की प्रक्रिया है जहाँ पर कि हम उन परिवर्तनों को, उन मेजरमेंट्स को, उन चीज़ों को जो कि हम व्यक्ति के अंदर से निकालते हैं, हमारी जो प्रश्नावली है या हमारे पास इंटरव्यू की टेक्निक्स है, साक्षात्कार है, तो वहाँ पर हम उन चीज़ों को निकालते हैं जो कि इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, हम लाइव चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। और लाइव चीज़ों से अगर आप 90, 95, 98, 99% किसी भी चीज़ को निकाल कर आप बाहर लाते हो, तो फिर समाजशास्त्र को ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की बात आती ही नहीं है, क्योंकि हम जीवित व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं और वहाँ से हम सत्य के नजदीक पहुंचते हैं। तो समाजशास्त्र तो एक विज्ञान है, समाजशास्त्र आदर्श की बात नहीं करता, समाजशास्त्र उन दशाओं का अध्ययन करता है जिनसे कि परिवर्तन होते हैं, समाजशास्त्र उन कारणों का पता बताता है जिन कारणों के कारण से समाज में परिवर्तन होते हैं, समाजशास्त्र उन प्रविधियों का अध्ययन करता है जिनसे कि हम ज्यादा से ज्यादा सत्य के नजदीक पहुंचे, समाजशास्त्र उन मूल्यों का अध्ययन करता है
जो कि समाज की एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। समाजशास्त्र उन दशाओं का अध्ययन करता है जो कि समाज के अस्तित्व के लिए जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि समाजशास्त्र के पास भविष्यवाणी करने की क्षमता नहीं है। समाजशास्त्र अपने अध्ययनों के द्वारा बताता है कि परिवार में अब संयुक्त परिवार टूटकर न्यूक्लियर फैमिलीज बनेंगी, और न्यूक्लियर फैमिलीज के बाद भी क्या परिवार का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, क्या विवाह की संस्था रहेगी या नहीं रहेगी। तो अगर, और उसके बाद आगे की पॉसिबिलिटीज़ भी देता है कि अगर विवाह की संस्था नहीं भी रहेगी तो भी किसी न किसी रूप से इन संस्थाओं में परिवर्तन तो आएगा, लेकिन इन संस्थाओं का कोई ना कोई रूप रहेगा। तो ना तो क्या जाति व्यवस्था के परिवर्तन, वर्ग व्यवस्था के परिवर्तन, वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से वर्ग व्यवस्था में परिवर्तित हुई, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनका अध्ययन करके समाजशास्त्र अपने आप को प्रूव कर सकता है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर रहेगा वो यही रहेगा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की सारी मापदंडों के ऊपर वो खरा उतरता है। वो ऐसे ही इरेलेवेंट भविष्यवाणी भी नहीं करता, ना ही इरेलेवेंट वो अपने विषय वस्तु का चुनाव करता है। बाकायदा टॉपिक का चुनाव करके उपकल्पना को बनाकर उसके बाद एप्रोप्रिएट प्रविधि का प्रयोग करके उसके बाद जब रिजल्ट निकलते हैं तो उसके बाद जो है वो जितने भी जो डिस्क्रिप्टिव जो हमारे पास आंसर आता है, चाहे वो इंटरव्यू से, चाहे वो अनुसूची से, चाहे वो किसी भी मेथड से आता है, उसके बाद उनको वो संख्याओं में कन्वर्ट करता है और अपने जो हमारे पास दूसरी सैम्पलिंग मेथड है या दूसरे मीन मीडियन या इस प्रकार सेंट्रल फ्रीक्वेंसी से हम लोग उस चीज़ को संख्याओं में कन्वर्ट करते हैं और उससे हम जो है वो अपने रिजल्ट को सामने देते हैं। तो हमारे पास वो टेक्निक है, इसीलिए हमारा जो आंसर रहेगा कि हाँ, समाजशास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि वो विज्ञान की सारी विशेषताओं को या विज्ञान के सारे मापदंडों को पूरा करता है। तो ये आपका आंसर, अगर ये प्रश्न आता ही है, जो मैंने आपको तीन बताए हैं, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी और जो समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं, ये तीनों के ऊपर प्रश्न किसी न किसी रूप में, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, किसी न किसी रूप में ये प्रश्न आएगा। तो तीनों टॉपिक्स को आप तैयार अच्छी प्रकार से कर लें। मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।